प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? तो आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में परियोजनाओं, भाकरा नंगल डैम, रिहंद बांध, हीराकुंड, ब्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गईं। उनके बाद इंदिरा जी आईं, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। शास्त्री जी आए, ये काम आगे बढ़ाया। तो जब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं, जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इसलिए तो नहीं करती ना कि जितनी भी देश की संपत्ति है जो आपके बच्चों और उनके भविष्यों के भविष्य को मजबूत बनाने में जानी चाहिए, वो ये लोग गवा रहे हैं।